मेहता जी और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। बंधन है द्वारकाधीश बंधन समिति की ओर से, बंधन चरण बंधन है। सभी भक्तों से आग्रह है कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारी कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन है, कमेटी के पदाधिकारी नीचे ही रहे, कमेटी के पदाधिकारी सभी नीचे रहे। मैं जीवी नड्डा जी से आग्रह चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा मंच पर आने की कोशिश करें। आदरणीय अरुण मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा, विजय चांदा जी भी मंच पर आने का कष्ट करें। मेरा पवन कुमार बंद दिले क्या दे मोही हर कलेश दिखाए हमारे हनुमान। Thank you.
समिति की ओर से बहुत ही अद्भुत संगम यहां त्रिवेणी संगम का कथा का आयोजन हमारे महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। महाराज जी का छोटा सा मैं परिचय दे रहा हूं, जिनके द्वारा देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम बहुत रोशन किया है। महाराज जी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लॉकडाउन की अवधि में महाराज जी ने 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच मात्र 7 दिनों में 73 ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे, गोल्ड बुक में और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए। वर्ष 2009 में महाराज जी के द्वारा पाकिस्तान के 8 नगरों में 9 दिन में अपनी प्रसक्ता की समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, पर दुनिया की कोई ऐसी समस्या बनी ही नहीं जो बिना उसके समाधान के आए। हर समस्या के पीछे उसका समाधान खड़ा है। देखने की दृष्टि चाहिए। हनुमान जी के पास वो दृष्टि थी, इसलिए हनुमान भक्त के जीवन में समस्या आए तो कभी निराश मत होना। बोलो, राम जी के जीवन में आ गई, हमारी आपकी क्या विसात। लेकिन सीखिए हनुमान जी से, हर समस्या अपने साथ समाधान लेके आती। दृष्टि चाहिए। बस हनुमान जी ने कहा आइए, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठाया। किसी ने कहा भैया पैदल ही ले आते, कंधे पे क्यों बैठाया। तो अपने राजा की आदत जानते थे कि एक नंबर का डरपोक है मेरा राजा सुग्रीव, अगर पैदल लेके चलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि राम जी इसको पकड़ के ला रहे हैं कि ये राम जी को ला रहे हैं। कंधे पे बैठा है तो दूर से ही समझ जाएगा कि हाँ कोई अपने ही लोग।
बड़ा ध्यान रखते हैं हर बात का हनुमान जी, और मुलाकात करा दी। और जैसी भेंट कराई तो सुग्रीव ने अपना रोना चालू किया, क्योंकि राम जी ने पूछा कि भी तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों इस पर्वत पर रहते हो? तो उसने कहा, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में बड़ा प्रेम था। अच्छी बात है, तो प्रेम था, फिर क्या दिक्कत हुई? बोले, दिक्कत यह हुई कि एक दिन हमारे यहाँ एक मायावी आया, मेरा बड़ा भाई बाली उसको मारने गया, मैं अपने भैया के साथ गया, वो गुफा में घुस गया। बाली ने कहा, तू बाहर ही खड़े रहना, मैं राक्षस को मार के आता हूँ। एक महीने बाद वो तो आया नहीं, रक्त की धार आई, मुझे लगा कि भैया मारे गए। मैं आया तो मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। अब महीने बाद भैया आए, न पूछा न ताछा, और मेरी ऐसी पिटाई करी, ऐसी पिटाई करी, भागने में बड़ा माहिर हूँ, तो दौड़ के यहाँ आ गया हूँ। ऋषिमुख पर्वत पे बाली को शाप है कि यहाँ आ नहीं सकता, छुपा बैठा हूँ, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा खजाना, मेरा महल और मेरी स्त्री भी छीन ली। डर लगता है महाराज, कभी आके मार न डाले, वो तो शाप है, तुम नहीं आ सकते। कल तक दोनों भाई एक थाली में खाते थे और आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। यही जीवन का सच है। आज भी कई लोगों के जीवन में ऐसा ही हो गया, जिनको देखे बिना ना सुबह होती थी शाम, आज उनकी महक भी पसंद नहीं आती। ऐसा दिन आता है मनुष्य के जीवन में, अपनों से ही लड़ पड़ता है आदमी। सगा भाई मारने के लिए ढूंढ रहा है बड़ा भाई। दो भाइयों की कथा चल रही है, एक राम जी जिनके भाई लक्ष्मण सब छोड़ के इनके साथ आए, और एक भाई ये के प्राणों के प्यासे हो गए। राम जी ने कहा, सुग्रीव चिंता मत करो, हम हैं, हम तुम्हें राज्य दिलाएंगे। सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं राजा बनते ही सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा, हमारे राम जी तो बहुत सीधे साधे। तो राम जी ने सुग्रीव से कहा कि जा चुनौती दे दे बाली को, मैं खड़ा हूं पीछे। तो सुग्रीव ने भगवान से कहा, आप जानते नहीं बाली बहुत बलशाली है। अब देखो भगवान पे ही डाउट कर रहा है। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव होता है वो भगवान की परीक्षा लेता है, अपन लोग भी यही करते हैं। अपन ये मंदिरों में जाके करते क्या है, उनका एग्जामिनेशन देते हैं रोज, ये काम कल बताया था आज हुआ नहीं, कल तो कर ही देना, ए महाराज ये कर देंगे वो कर देंगे। भगवान मजे लेता है, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुझे शंका है? तो भगवान ने एक ही तीर से वृक्ष काटे। सुग्रीव को लगा हाँ ये ठीक है, तो मैं चला जाऊं बाली के पास। राम जी ने कहा चले जा, दे आ चुनौती। और जैसे ही सुग्रीव ने जाके अपने बड़े भाई बाली को चुनौती दी, और ऐसी गरज के साथ चुनौती दी कि बाली जब अपने छोटे भाई से लड़ने के लिए चला, तो बाली की पत्नी का नाम था तारा। तारा ने अपने पति को रोका, पांच प्रातः स्मरणीय स्त्रियां हमारे यहां है, उसमें से एक तारा है। तारा ने कहा कि मेरी जानकारी है कि आपके भाई के पीछे जो दो राजकुमार हैं वो भगवान हैं, उनको संरक्षण मिला है भगवान का, आप लड़ने मत जाइए, अहित होगा। अहंकारी व्यक्ति के साथ एक दिक्कत है, वो कभी दूसरे की राय सुनता ही नहीं। बाली बहुत अहंकारी था, उसने कहा कि यदि भगवान हैं तो मारा जाऊंगा हाथ में, और नहीं तो मार के आऊंगा। आ गया सुग्रीव भगवान के भरोसे लड़ने आया, और सुग्रीव और बाली में लड़ाई हुई, तो बाली ने पटका सुग्रीव को नीचे और दिया गदा। वो तो ऊपर चढ़ी रहा था, और सुग्रीव को लगा राम जी तो कह रहे थे तू लड़ने जा, मैं पीछे से तीर चलाऊंगा, पते ही नहीं भगवान के कहां। देखा तो भगवान दिख ही नहीं रहे, भागने में एक नंबर का था वो, जो भागा वहां से, और भाग के राम जी के पास आया, कह रहा अच्छा मरवाया आपने, आज तो मेरा तेरवा ही कर देता मेरा बड़ा भाई, और आप तो कह रहे थे तू जा जा। अब देखो जो राम जी ने बोला वो ध्यान से सुनिए। राम जी ने बोला भैया सुग्रीव एक दिक्कत है, तुम दोनों भाई दूर से बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तो अंतर पता नहीं लग रहा मारूं किसको, फर्क लगना चाहिए इस संसार में दूसरों से, तब भगवान को पता लगता है ये मेरा भक्त है। फर्क लगना चाहिए, भक्त होने का अंतर है। आप यदि इस प्रांगण में बैठे हैं तो आपकी पहचान भक्त है, आप कोई मौज मस्ती करने नहीं आए। किसके पास समय है आज जो 7 से 9 वक्त निकाल के यहाँ आए, ये आपके भक्त होने का परिणाम है कि आप यहाँ आ पाए हैं। तो ऊपर वाले को लगना तो चाहिए,
तो सुग्रीव ने कहा अब क्या करेंगे, तो भगवान ने कहा एक काम कर, ये माला पहन ले तो तू दूर से दिख जाएगा कि मेरी माला पहनी, ये कृपा की माला है। और सुग्रीव को जैसी माला पहनाई और सुग्रीव वाली के पास गया, उसने कहा महाराज इस बार गड़बड़ मत करना, एक बार तो बच गया, इस बार छोड़ेगा नहीं भाई मुझको। अरे बोले तू जा। अब देखना आप सुग्रीव की अदा कितनी प्यारी है। लड़ने गया बाली से, सामने खड़ा बाली और बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। भाई ये अदा बड़ी प्यारी है। हम सब भी जब संसार का सामना करने निकले तो मुड़ मुड़ के ऊपर वाले को जरूर देखते रहना, एक बार उस पर नजर जरूर डालो, उस पर नजर रखो और फिर मुकाबला दुनिया का करो। बाली ने कहा फिरा गया तू। और इस बार बाली जब सुग्रीव की छाती पे चढ़ा और उसने मुक्का मारने का प्रयास किया, सुग्रीव को लगा बाण तो अभी भी नहीं आ रहा, अब मरा। तब तक तो बिल्कुल बाली का पंजा हाथ में, और सुग्रीव ने कहा कि फिर तीर नहीं चलाया, इनके भरोसे तो अपन आज गए। और ऐसा होता है, भक्त को लगता है कि भगवान ने देर कर दी, पर याद रखिए भगवान कभी देर करता ही नहीं, भगवान हर काम समय पे करता है। हमको लगता है देर हो रही है, उसका समय फिक्स है। बस सुग्रीव ने आंख बंद की, बाली का मुक्का आ चुका था छाती पे, सुग्रीव ने कहा चले गए, आंख बंद की, राम जी को याद किया, महाराज आपके भरोसे मर रहा हूँ, ये आखिरी सांस है मेरी। और अचानक सुग्रीव ने देखा कि छाती पे बैठा बाली धड़ाम से गिर गया। आंख खोल के सुग्रीव ने देखा बाली की छाती पे तीर धंसा था। भगवान अपने समय पे काम दिखाई देते। अब प्रकट हुए भगवान। मैं बहुत संक्षेप में सुंदर का किष्किंधा कांड की कथा आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप सूत्र की बात लेते चलना, कथा तो बड़ी लंबी है और आप जानते भी हैं। आजकल देखो सबको कथा आती है और आप अब विस्तार से कथा सुनाने की जरूरत भी नहीं। आजकल बताइए कथा सुनने के लिए सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और हम आपको कथा सुनाएंगे भी नहीं, हम तो कथा के पीछे का सूत्र सुनाएंगे। आज से 40-50 साल पहले कथा सुनने के लिए व्यासपीठ पर डोंगरे महाराज को, मुरारी बापू को, ऐसे कई संतों को बैठाना पड़ता था। आजकल कथा सुनने के लिए ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एक उंगली उठाओ और मारो गूगल पे, इतनी किस्म की कथाएं बाहर आ जाएंगी, इतने राम टपका देगा गूगल के, पता राम जी को भी नहीं मालूम होगा मेरे इतने अवतार करे जितने गूगल करेगा। तो कथा सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं आप, और कथा तो आपको मुझसे अधिक मालूम होगी। हम कथा के पीछे का सूत्र निकालने बैठे हैं, जीवन का सूत्र, क्योंकि जीवन का सूत्र किसी गूगल से नहीं निकलेगा, वो तो कथा से निकलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कथा आपको याद है लेकिन भगवान क्यों करते हैं लीला ये समझना है। आज सुग्रीव अपना सब कुछ खो चुका था, फिर भी उसके जीवन में राम आ गए और उसको राज्य मिल गया। क्यों? जिसका राज्य खो गया हो, महल खो गया हो, खजाना खो गया हो, जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया हो, उसके जीवन में राम आ गए। सुग्रीव का सब चला गया था पर सुग्रीव ने एक चीज बचा ली थी, सुग्रीव ने हनुमान जी बचा लिए थे। और जिसने जीवन में हनुमान बचा लिए उसको फिर सब मिल जाता। भैया ये पानी वाले भैया से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि पानी का वितरण बिल्कुल न करें जब तक मेरी कथा चले। थोड़ा सा रोक लीजिए। केवल वही व्यक्ति पानी पिए जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, लेकिन हम कथा कर रहे हैं। अच्छा, हमारा टाइम फिक्स है, हम 7 बजे से 9 बजे कथा करेंगे। आज थोड़ा पहला दिन है तो विलंब हो गया मंदिर दर्शन करने में और आने में। कल मैं ठीक 7:45 इस मंच पे रहूंगा, कीर्तन होगा और 9 बजे आपको छोड़ दूंगा। 9 बजे हमारा नियम है, हमको बैठाओगे जब आपकी इच्छा, पर हम उठाएंगे हमारी इच्छा से। 9 बजे तक का टाइम है तो आप 9 बजे तक कोई गतिविधि ना करें। हाँ, कोई शारीरिक व्याधि हो, वृद्धावस्था हो, कोई परेशानी हो तो पानी पीजिए। हम आपको राम रस पिला रहे हैं और आप पानी से गला तर करने के चक्कर में ये न करें। बोतलें खोल के तो रोज पी होगी, आज जरा दिल खोल के पी जाए हमारे साथ, ये थोड़ी देर के लिए रोक लो।
यहां सिर्फ एक ही काम होगा, हम बोलेंगे आप सुने और कोई गतिविधि मत करिए, और 9 बजे छोड़ देंगे पक्का। इसलिए डरना भी नहीं है, एक तो श्रोता को यह पता लग जाए कि वक्ता छोड़ेगा कब तो बड़ी शांति हो जाती है। तो हम तो डिक्लेयर करके बोल रहे हैं आपसे, आप बिल्कुल मत डरो, आप तैयारी से आइए, 9 बजे हम बाहर कर देंगे आपको।